सो गाइज, उदयपुर आए और सब्सक्राइबर से ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे साथ यहाँ पे दो भाई हैं, इन भाई का नाम है ओवेस और हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनका नाम है मयंक। सो ये बेसिकली यहाँ पे दोनों स्टडी करते हैं और सिटी में रहते हैं। मुझसे ऑलमोस्ट मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए गाइज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर आया। मेरे को सुबह सुबह इनका फ़ोन आया, आज मेरी वापसी की ट्रेन है एंड सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि भैया मुझे आपसे मिलना है। काफ़ी देर से हो रहा था कि भैया मिलना है। ये इनका प्लान भी हो रहा था कि यार दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके मिलेंगे, बट चलो इसी बहाने मैं उदयपुर आ गया और उदयपुर आ गया। Hey everyone, welcome back to the channel guys, you're watching Born Creator, this is your host Vivek Suri। So guys, अभी हम हैं उदयपुर में और हम आए हैं सहेलियों की बाड़ी। बेसिकली इट्स अ गार्डन और ये बनाया गया था 1710 से लेकर 1734 के बीच में, रानी महारानियों के खेलने के एंटरटेनमेंट के हिसाब से बेसिकली बनाया गया था। और अगर मैं बात करूँ इस गार्डन की तो जैसे कि मैंने आपको बताया रानियों के हिसाब से बनाया था। सो हमने गाइड करा, लेट्स सी वो हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं एंड जो भी होगा आपको दिखाते हैं और आप इन्जॉय करें। सो मेरे कैमरे से आप उदयपुर इन्जॉय करेंगे। सो गाइज़, अगर मैं ये सहेलियों की बाड़ी के बारे में आप लोगों को बताऊं तो महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 से लेकर 1734 के बीच में जो ये जगह है उसका निर्माण किया था और ये बेसिकली बनाया गया था रॉयल लेडीज़ और उनकी मेड्स के लिए ताकि वो यहाँ पर आके अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। इस गार्डन को लाइक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स भी कहा जाता है और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब महारानी रानी महारानियों के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। सो अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं वह फाउंटेन्स चल रहे हैं। बेसिकली जो अभी हमें भैया ने बताया तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बताया था वो सिटी पैलेस रहते थे और सिटी पैलेस से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया ताकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए दासियाँ और जो रानियाँ हैं वो आ सके। सो दिस इज़ बेसिकली द वेलकम फाउंटेन की जब आप सामने से एंट्री करेंगे वो है गेट और वहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो आपके लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ द वेलकम फाउंटेन की आप आ रहे हैं और आपके वेलकम के लिए चारों तरफ से पानी चल रहा है। सो उधर भी आप देखेंगे सारा पानी हो रहा है एंड अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी सारा पानी जो है वो चल रहा है। सो ये है वेलकम फाउंटेन। बेसिकली इन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हैं। सो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। सो गाइस, अगर आप इधर देखेंगे तो ये है हमारा बिन बादल बरसात वाला फाउंटेन। बेसिकली अभी हमें जो भैया ने बताया दैट इज़ इसके जस्ट पीछे वहाँ पे आपकी लेक है तो लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था तो ये बिना उसके बनाता चलता था। बेसिकली इसमें अभी तो मोटर लग गई है जिसकी वजह से ये इस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है बट अभी हम पीछे जाएंगे तो वहाँ कह रहे हैं बांध है, जैसे प्रॉपर बांध वगैरह बनाया गया और ऑलमोस्ट 40-50 फीट जो है वो पानी ऊपर की तरफ होता था जिसकी वजह से वाटर लेवल वहाँ के ऊपर होने की वजह से वहाँ का पानी जब इधर की तरफ आया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो फाउंटेन है वो चलता था। सो यार ऑब्वियसली बात है पानी अगर एक तरफ वाटर लेवल ऊपर होगा तो दूसरी तरफ से उसका आएगा ही आएगा, मेरा खुद का फाउंटेन का काम है सो आई नो अबाउट ऑल दिस। बट अभी इस टाइम वहाँ का पानी इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है सो यहाँ जो इन्होंने ये जो सारा चला रखा है ये बेसिकली आपका मोटर से चल रहा है। इस टाइम आप देखेंगे चारों तरफ पूरी तरफ देखेंगे तो सारी तरफ फाउंटेन चल रहा है और वहाँ पे सामने कहते थे कि वो जो ऊपर बंद कर रखे वहाँ पे रानियाँ बैठती थी और नीचे जो एरिया दिया गया है वहाँ पे राजाओं का होता था और यहाँ पे आके लोग बेसिकली अपना जो राजा महाराजा थे वो अपने मनोरंजन के लिए आते थे इधर और अपने एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। सो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ द सावन की बादो। अगर आपको तरीके से आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो जैसे बारिशों में आपका एक्चुअल में पेड़ों के ऊपर पानी पड़ता है और आवाज़ आती है सारी की सारी तो उस हिसाब से यहाँ का जो सारा इन्होंने डेकोर करा हुआ है बेसिकली फाउंटेन बनाए हैं वो उस हिसाब से बनाए गए हैं। बिकॉज यहाँ पे अंदर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे सारे के सारे फाउंटेन्स चल रहे हैं और वो जब पेड़ों पे पड़ रहे हैं तो उनकी आवाज़ इस तरीके से आ रही है जैसे कि लिटरली बारिश हो रही है और वो पेड़ों के ऊपर पड़ रही है। तो जो यहाँ की रानियाँ थी और उनका कुछ अलग ही टेस्ट था तो उनको अलग अलग तरीके से चाहिए था बिन बादल बरसात सावन की बादो और ऐसे करके उन्होंने अलग अलग तरीके से बेसिकली अपने फाउंटेन्स बनवाए थे। सो दिस इज़ द थर्ड फाउंटेन फॉर यू। अगर आप देखेंगे चारों तरफ से तो चारों तरफ उसके फाउंटेन्स बने हुए हैं एंड बीच में एक उन्होंने जो मेजर फाउंटेन है वो बनाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आके रानियाँ खेलती कैसी थी बट देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और अगर आप सुनेंगे साउंड देखेंगे अगर आपको साउंड सुनाई दी होगी तो वो एक्चुअलिटी में पूरा का पूरा वैसी ही साउंड कर रहा है जैसे
बारिशों में जब एक्चुअल में पेड़ों के ऊपर पानी पड़ता है तो आवाज़ आती है, तो उस हिसाब से रानियों को वो सारी चीज़ें चाहिए थी और उन्होंने फिर सारा का सारा सब कुछ उस हिसाब से ही बनवाया। सो आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हमारे पास है कमल तलाई। सो कमल तलाई देखें कि कमल तलाई में क्या है, और फिर मेरे ख्याल से एक चीज़ और रह जाएगी, 5 अलग अलग स्पॉट्स हैं। सो दिस नेक्स्ट इज़ द कमल तलाई। सो गाइस नेक्स्ट फॉर यू इज़ कमल तलाई। बेसिकली आप देखेंगे कमल के पत्ते काफ़ी सारे नीचे पड़े हैं, अभी मौसम नहीं है वरना यहाँ पे सारे कमल के फूल जो हैं वो उगे होते हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे, जैसे सपोज़ ये देखेंगे या वहाँ देखेंगे, तो ये जो हाथी बने हुए हैं ये सिंगल पीस के अंदर से बनाए गए हैं। एंड सामने अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे बेन रानियों के बैठने का होता था, और कहते हैं जैसे आप फाउंटेन देखेंगे हाथी के अंदर से फाउंटेन चल रहा है। सो जब पानी पीछे झील में ज़्यादा हो जाता था या इधर कोई फंक्शंस वगैरह होते थे, तो ये जो हाथी का ये जो धार निकल रही है ये वॉल को टाइट करके इसको खोल देते थे, जिसकी वजह से ये जो धार है ये पूरी की पूरी इस सामने जो शेर हैं चारों तरफ शेर बनाए गए हैं। सो पानी यहाँ से उड़ता हुआ सीधा उस शेर के ऊपर जाता था। अभी ये पूरा मेंटेन नहीं है, बाकी अलग अलग जगह से किस तरीके से पूरे फाउंटेन चल रहे हैं वो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसकी लुक होगी उस टाइम पे। दिस इज़ द फिफ्थ एंड द लास्ट फाउंटेन है। बेसिकली इसको कहते हैं रासलीला फाउंटेन। जो भी मेन फंक्शन होते थे जैसे घूमर डांस करना और वो सब होना, तो वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे किया जाता था। अगर मैं थोड़ा सा उधर चल के आपको दिखाऊं, तो जो हमें बताया गया है वो ये है कि आप पीछे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बना हुआ है, जो भी हम वहाँ से जाते हुए भी देखेंगे, तो राजा महाराजा वहाँ बैठते थे और वो वहाँ से बेसिकली ऊपर से इंजॉय करते थे पूरा, जो भी इधर सारे फंक्शंस टाइप होते थे, घूमर डांस हो गया या सारी चीज़ें हो गई, वो सारा कुछ अलग से बेसिकली रासलीला के लिए ये वाला जो है फाउंटेन तैयार किया गया था कि रासलीला करनी है तो यहीं करनी है। तो यार पहले वाले काफ़ी ज़्यादा राजा महाराजा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, हर चीज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बना रखी हैं, हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी थी। तो यार आजकल हम क्या कर रहे हैं, झक मरा रहे हैं शायद। सो ये जो जगह है यहाँ पे बताया गया है वहाँ ऊपर राजा बैठते थे, और राजा बैठ के जो है वहाँ पर रासलीला वगैरह होती थी वहाँ देखते थे। ये बेसिकली पेड़ वगैरह जो है वो उस टाइम इतने नहीं होते होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है रासलीला। सो गाइज दैट वाज सहेलियों की बाड़ी फॉर यू गाइज। और जो भी 5 फाउंटेन्स थे कैसे होता था सारा का सारा वो हमें भैया ने हेल्प करी। सो भैया अपना नाम एक बार बता दो। ASRANAWAT। ASRANAWAT भैया का नाम है, भैया आपको यहीं मिलते हैं। सो आप अगर यहाँ पे आएँ और आपको गाइड की ज़रूरत हो तो इनका भैया का नंबर जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और आप भैया से बात कर सकते हैं। भैया पैसे क्या लगते हैं यहाँ पे? यहाँ सर वैसे 1 राउंड का 150 है। ओके। और वो मेंबर पे है 1 से 5 तक के। ओके। और 5 से ज्यादा जब मेंबर होते हैं हाँ। उसके मुताबिक फिर उसका पे रेट भी बढ़ जाता है, रेट बढ़ते जाते हैं। सो जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे 5 मेंबर तक ऑलमोस्ट 150 रुपए लगेगा गाइस आपका। बाकी अगर आप आओगे और भैया को बताओगे भैया मैंने आपके YouTube पे वीडियो देखी थी, तो भैया हाँ हो सकता है आपको थोड़े से पैसे कम भी कर दे। सो कैसा लगा आपको सारा का सारा ये सहेलियों की बाड़ी? गाइज नीचे कमेंट सेक्शन खोला, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो ये वाली जगह है उसको देख सकें और इन्जॉय कर सकें। घर बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखा रहा है यार, और आपको क्या चाहिए। सो गाइज इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर अ गुड टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.